सर वो नेम चेंज कर दिया होगा। ओके दैट्स गुड। जी ओके थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग अवर दिस कोर्स। मुझे थोड़ा सा बताएं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोर्स से, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग किसके रिलेटेड होगा वगैरह वगैरह। एनीबॉडी कोई बता दे। सर, ये हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा है ना पिछले सेमेस्टर में, उस जी टाइप का ही लग रहा है, क्योंकि उसमें भी पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये मर्ज एक होता है ना, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट वे से, ठीक है। और पैरेलल इसका अंदाजा नहीं है मुझे। अच्छा आपने कहीं पढ़ा होगा सीरियल एंड पैरेलल, सीरियल जी कम्युनिकेशन जी जी होती है सर, या पैरेलल कम्युनिकेशन होती है वगैरह जी वगैरह। सर, सीरियल क्या जी होती है सर, अपना? सर सीरियल में सर जो पार्ट पार्ट होता है एक, ऐसे ही है। वन बिट एट ए टाइम, जब एक एक बिट करके यस डेटा सर, ट्रांसफर हो रहा होता है ना, तो वो सीरियल होती जी है, और पैरेलल में मल्टीपल बिट्स एक वक्त में सेंड हो रही होती हैं, ऐसे ही था ना कुछ। तो जी वो सर हमारे पास पैरेलल होती है, तो इट्स मीन दैट के पैरेलल का हमारे माइंड में क्लियर हुआ कि पैरेलल जब वर्ड आएगा हमारे माइंड में तो उसका मतलब ये होगा कि एक टाइम पे ज्यादा काम हो रहे हैं, ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, या एक टाइम पे ज्यादा टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, या एक टाइम पे ज्यादा प्रोसेसिंग्स हो रही हैं। ओके ये तो पैरेलल का हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरे वर्ड की तरफ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पढ़ा होगा, सर पढ़ा है। जी तो सर उस पढ़ा हमने। जी जी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब थोड़ा सा इसको इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ना लाइट डालते हैं इसमें, बोले। सर एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को हमने बहुत से डिफरेंट जगहों पे ना प्लेस किया होता है, मतलब कनेक्ट किया होता है, बिल्कुल ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जी, और कोई मतलब एक बताए। जगह पे। हुमा आपने सही बताया है, इसको किसी और टर्म में भी हम ले सकते हैं जी। कोई और शेयर करना चाह रहा है अपने व्यूज या अपना कॉन्सेप्ट प्रीवियस, तो ये एक मतलब के एक तरह की ना ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी हमारे लेसन को स्टार्ट करने से पहले। जी सर, इसने वो ही किया कि जो सेंट्रल डेटाबेस होती है वो सेंट्रल नहीं रहती, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके डेटाबेस की कॉपी लेके हर साइट पे जो वो अलॉट कर दी जाती है, तो इसका फायदा ये होता है कि हर ब्लॉक के पास, हर साइट के पास अपना जो है वो डेटाबेस होता है हाँ मतलब उसके। कि वर्चुअली वर्चुअली डाटा उसको ये लग रहा होता है कि मेरा अपना है, लेकिन वो सेंट्रली कहीं से एक्सेस कर रहा होता है कनेक्ट होकर। लाइक आप लोग अगर एक क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं तो 7 के 7 आप लोग अपने अपने पेस अपने अपनी लोकेशन पर बैठ के उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस, मतलब कि उस डेटाबेस एक ही है और वो आप सबके सिस्टम पर अलग अलग से वो एक्सेस हो रही है, ठीक है ना। तो आप सबको अपनी अपनी नीड के मुताबिक वो एक्सेस हो रही है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक। जी सर, ओके लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये इस कोर्स के अंदर हम जितनी भी बातें करेंगे तो वो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड के ही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कुछ सिस्टम्स, कुछ लॉज, कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे। हमें मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है, फोकस है, वो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड का आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में आज के लेसन में हम दोनों की डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस और दोनों का यूज क्यों किया जाता है ये करेंगे जस्ट, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है वो कोर्स कंटेंट होगा, आज का लेसन कंटेंट होगा कि ये दोनों यूज कहाँ पर होते हैं और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग, और इसके अंदर यूनिवर्स इज पैरेलल, इसमें भी कुछ चीज देखेंगे। ये बेसिकली कंटेंट में कुछ एरर है, लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटेंट भी अपडेट करके भेज दूंगा। ओके नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग।
पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि पैरेलल में एक वक्त में ज्यादा काम हो रहे होते हैं। अब जब पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, एक होता है कि जो एक से ज्यादा प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है वो और चीज है, लेकिन ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर है, यानी कि सीपीयू एक नहीं है उसके अंदर, सीपीयू उसमें ज्यादा है और हर सीपीयू एक सेम टाइम पे मुख्तलिफ काम कर रहा है और मेमोरी जो है वो शेयर्ड है सब में, मेमोरी एक ही है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें सीपीयू ज्यादा है, मेमोरी एक ही है और सारे सीपीयू उसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि वो मेमोरी शेयर्ड है सबके लिए और हर सीपीयू काम कर रहा है अपना अपना, हर सीपीयू के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, सो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज ए मॉडल, ऐसा मॉडल है दैट डिवाइड अ टास्क इनटू मल्टीपल सब टास्क, एक काम को सब टास्क में डिवाइड करता है एंड एग्जीक्यूट देम साइमल्टेनियसली, और एक ही वक्त में होता है ये सारा काम, टू इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी। जब एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसेस कनेक्टेड होंगे, सीपीयू कनेक्टेड होंगे, तो हम मेजर टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करके हर प्रोसेसर से लहदा लहदा वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं और उससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड और हमारी जो उस टास्क को परफॉर्म करने की स्पीड एंड एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है, इंक्रीज होगी। ओके, ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है ना किसी को? No, sir. Clear. Okay. So here a problem is broken down into multiple parts. ऊपर ही बात की ना कि एक टास्क को हमने छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। So एक प्रॉब्लम को हमने ब्रेक कर दिया सब पार्ट्स में। So each part is then broke down into number of instructions. फिर हर उस पार्ट या उस एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में, और छोटे टास्क के अंदर आगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। So these parts are allocated to different processors. वही बात आ गई ना कि ये जो छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट बना दिए जाते हैं, हर पार्ट को एक अलहदा प्रोसेसर अलॉट कर दिया जाता है, विच एग्जीक्यूट देम साइमल्टेनियसली, और सारे प्रोसेसर उन टास्क को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में कर रहे होते हैं। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इससे ओवरऑल सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड में इंक्रीज आ जाता है, बढ़ जाती है, तो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो दैट्स द मेन वर्किंग ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, जो कि आपने पूरे कोर्स के अंदर ढूंढने नहीं। जी अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, पैरेलल कंप्यूटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लियर? ओके, मीन टू से दैट कि ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोसेसर यूज करते हैं, टास्क को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है या प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है सब टास्क में, और हर टास्क एक एक प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाता है और सारे के सारे प्रोसेसर साइमल्टेनियसली अपने अपने टास्क पे काम कर रहे होते हैं। सबकी जो आउटपुट आएगी वह एज ए होल पूरे सिस्टम की एग्जीक्यूशन की स्पीड में इंक्रीज ले आएगा और इससे सिस्टम जो है वो एफिशियंटली वर्क करेगा। और ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग है ना, एक बात क्लियर कर दूं, ये मतलब कि ये सिंपल आपके पर्सनल कंप्यूटर वगैरह पे रन नहीं होती है, ये किसी हैवी सिस्टम पे रन होती है, जहां पर आप तो जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं इसमें तो एक ही प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू, जिसको प्रोसेसर इंटेल का 2.4 गीगाहर्ट्ज हम यूज करते हैं, तो एक ही प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर के अंदर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अगर मैं अपने कंप्यूटर की एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर मैंने नीचे अपने टास्क बार में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वो, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, ये फोल्डर है, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया तो अब ये वाला टास्क एक्टिव है, अब प्रोसेसर के ऊपर ये वाला टास्क अभी मुझे नजर आ रहा है और बाकी नजर नहीं आ रहे, इसको ओपन किया तो ये नजर आ रहा है। इट्स मीन ये जो है पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म नहीं हो रही, ये बेसिकली यूनिट यानी कि एक सिंगल सीरियल ही हो रही है, लेकिन बैकएंड पे टास्क इस तरह से मैनेज है कि जैसे मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसर एक ही है, काम वो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट पैरेलल कंप्यूटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जहां पर प्रोसेसर ही मल्टीपल यूज हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि एक ही प्रोसेसर मल्टीपल काम करे,
उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और मल्टीपल प्रोसेसिंग जहां पर पैरेलल कंप्यूटिंग की बात आ जाती है तो वहां पर प्रोसेसर ज्यादा है और सारे प्रोसेसर अपना अपना वो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे ओवरऑल सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होगी। सर जैसे कि आजकल नोटपैड आया हुआ है, उसमें हम दो विंडोज ओपन कर सकते हैं एक साथ ही। वो तो इसमें भी दो विंडोज ओपन हो सकती है, ये इसको मैं अगर ब्रेक डाउन कर लूं। सर देखिए ना, जैसे हमारा कंप्यूटर है उसमें हम एक पे अगर पेपर देते हैं, ठीक है ना, जब हम वो ओपन करते थे तो हमारे बाकी सब कुछ बंद हो जाता था, लेकिन नोटपैड ऐसा है जिससे हम अपना जो पेपर जो हमारा होता है ना, वो जो माइक्रोसॉफ्ट वो ओपन करते हैं, साथ हम दूसरी विंडो भी ओपन कर सकते हैं, मतलब गूगल भी ओपन कर सकते हैं उसके साथ। जी जी, ऐसे देखिए, ऐसे सिस्टम या ऐसे लैपटॉप अवेलेबल हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजी है। अब ये देखो, अभी मैं आपको, आपकी बात से मुझे याद आया, मैंने एक ही सेम टाइम पे एक ही विंडो पर ये दो चीजें ओपन कर ली, नजर आ रही है ना अब आपको। अब ये क्या हो रहा है, अब देखिए अगर मैं इधर माउस लेके आऊंगा तो तब ये एक्टिव होगा, उस वक्त में जब यहाँ पर माउस एक्टिव है तो वहां पर दूसरा ये वाला एक्टिव नहीं है, अब यहाँ पर क्लिक करके आऊंगा तो ये एक्टिव है। इट्स मीन दैट कि एक वक्त में तो एक ही काम हो रहा है ना, मतलब कि यहाँ तो मैं इसको चला सकता हूँ फोकस करके, यहाँ तो इसको मैं स्क्रोल डाउन कर सकता हूँ, यहाँ तो इसको कर सकता हूँ, दोनों को एक वक्त में नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं होगी, ठीक है, ये पैरेलल मतलब कि मल्टीपल टास्क वर्किंग एट द सेम टाइम तो हो सकता है एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल कंप्यूटिंग में हमारे पास हर प्रोसेसर पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं नोटपैड वाला, जहां पर मल्टीपल विंडोज ओपन है और दोनों तरफ आप काम सेम कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, ठीक है, इट्स मीन दैट कि वो मल्टीपल वो पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म है। ओके, समझ आ गई अब आपको? जी सर, आके अब मूव करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और मतलब कि हर कंप्यूटर का अपना एक प्रोसेसर है अलग अलग साइड पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट देन पैरेलल कंप्यूटिंग, इवन नाउ द प्रिंसिपल इज द सेम, प्रिंसिपल दोनों का सेम है तकरीबन, लेकिन वर्किंग जो है वो कॉन्सेप्ट जो है दोनों का डिफरेंट है, काम करने का अंदाज दोनों का डिफरेंट है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ फील्ड, एक ऐसी फील्ड है दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब ये ऐसी कंप्यूटिंग है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं, वो वाले सिस्टम दैट हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन, ये मेन बात ये वाली आपने याद रखनी है, मुख्तलिफ कंप्यूटर जो कि मुख्तलिफ लोकेशन पर पड़े हैं, एक यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, एक आप यूज कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर बैठकर, ठीक है। तो ये आपके पास अपने कंप्यूटर में अपना प्रोसेसर है, मेरे पास मेरे कंप्यूटर में अपना प्रोसेसर है, और अगर हम किसी सेंट्रल जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है एंड सेंट्रल एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो वो हम काम चाहे एक ही कर रहे हैं सब, लेकिन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट सिस्टम, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। So these computers in distributed system work on the same program. हाँ, अलग अलग लोकेशन पर तो हम बैठे हुए हैं लेकिन काम हम सेम प्रोग्राम पे कर रहे हैं, काम हम सेम प्रोग्राम पे कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन टू टास्क, आप अपना टास्क कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर्स या जो टीम प्रोग्रामिंग के लिए भी ना आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं लोग, उनकी भी एक टीम होती है। अब वो टीम की सूरत में काम कर रहे होते हैं, उस टीम में हर बंदे को अलग अलग टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, वो अपने अपने सिस्टम पर चाहे ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के अपने अपने सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। हालांकि मेजर प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके उन बंदों को असाइन कर दिया गया, उन्होंने अपने अपने लोकेशन पर बैठ कर उसके ऊपर काम किया, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टास्क, ठीक है, उनको जो असाइन किए गए। सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क एंड एलोकेटेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। हाँ जी, वो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यूजिंग मैसेज पासिंग, के मैसेज पास करके। अब देखें उनका कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है ना कोई सर्वर, कोई ना कोई ऐसी प्लेस होती है जहां पर वो मैसेज लीव करते हैं, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना काम हो चुका है, ठीक है, जिसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं।
So upon completion of the computing, the result is collected and presented to others. जब सारा काम complete हो जाता है, वो सारी problem के result सारे लोगों से collect करके एक user को present कर दिया जाता है कि ले जी आपका task perform हो चुका है. It is called distributed computing. तो इसकी I think so कि अभी ये parallel और distributed का concept तो बड़े अच्छे तरीके से आपका clear हो गया. जी सर, ऐसा ही है. जी सर, जो हमारी जोन की मीटिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में आ सकती है? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रही थी. बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में ही है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में ही है, क्योंकि जूम ऐप से यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया और ये सर्वर इसका जूम का ऑन हो गया. अब जूम के ऊपर भी तो हम डेटा वगैरह ऊपर मैसेजेस करते हैं, ऊपर मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो ये हम डेटाबेस की एक्सेस कर रहे हैं थोड़ी सी, और आप सब लोग अपने अपने सिस्टम से अपने अपने लोकेशन में बैठ के एक्सेस कर रहे हैं. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. जी, ओके, ये एक अच्छी एग्जांपल है, हमें रियल, हमें हमारी अपनी जो है ना क्लासेस से ही मिल गई है. और सर, आपने पैरेलल की क्या एग्जांपल बताई है? जी हाँ, पैरेलल की कोई एग्जांपल दे. मैंने अभी बताया भी है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बताया था कि नोट पैड ऐसे आ गए हैं जहां पर दोनों चीजें एट द सेम टाइम एक्टिव हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों को एट द सेम, उसमें प्रोसेसर अगर मल्टीपल है तो देन वो पैरेलल कंप्यूटिंग होगी. एक बात माइंड में क्लियर रखें कि ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर हैं, इट इज वो पैरेलल कंप्यूटिंग को होल्ड करता है, ठीक है. और वो ये आम पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होता है, ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स होते हैं, आपके जो सुपर कंप्यूटर हैं, हैवी पर्पस के लिए जो यूज होते हैं, ये जो लेबोरेटरीज में, लैब्स में, बड़े बड़े जगहों पर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं ना, तो वहां पर पैरेलल कंप्यूटिंग यूज हो रही है. ओके, जी सर. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्सेज पैरेलल, अब इनका ना हम कंपेरिजन करते हैं, और यहाँ से भी हमारे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होने वाले हैं, ठीक है. ओके, सबसे ये कुछ ना हमने डिवाइड कर दिया इनके कंपैरिजन को मुख्तलिफ पार्ट्स में, और उनको हेडिंग दे दी गई है. सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन्वॉल्व, ठीक है. अब पैरेलल कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो पैरेलल कंप्यूटिंग जनरली रिक्वायर वन कंप्यूटर. हमने पहले भी बात की कि एक कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर, ये पैरेलल कंप्यूटर की एक करेक्टरिस्टिक है. मल्टीपल प्रोसेसर विद इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली, और जो मुख्तलिफ प्रोसेसर होते हैं ना, वो उनको जो जो टास्क मिलता है वो साइमल्टेनियसली वो टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये नहीं होता कि एक प्रोसेसर जो है वो हॉल्ट है, वो वेला बैठा हुआ है और बाकी काम कर रहे हैं, मतलब उसको जो टास्क मिला वो भी एट द सेम टाइम विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम उसके ऊपर काम कर रहा होगा. इससे हमारे सिस्टम की क्या इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज होगी. So all processors work toward completing the same task. तो वो सारे के सारे प्रोसेसर एज ए होल एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, मतलब इनके टास्क तो लेदा है, लेकिन जो मेजर आउटपुट आएगी बाद में, जो टास्क कंप्लीट होगा मेजर, वो एक ही टास्क है. उस हमने एक टास्क को ही तो फर्दर डिवाइड किया था. सो दस दे हैव टू शेयर रिसोर्सिस एंड डेटा, ठीक है. फिर वो वाले प्रोसेसर आपस में डेटा और रिसोर्सिस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है. दे हैव टू शेयर रिसोर्सिस एंड डेटा. रिसोर्सिस क्या होते हैं, लाइक प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, जैसे मैंने मेमोरी कहा कि मेमोरी शेयर करते हैं, वो मेमोरी एक ही होती है, प्रोसेसर मल्टीपल होते हैं, ठीक है. तो रिसोर्सिस को वो शेयर कर सकते हैं. इसके बरक्स, ये तो बात होगी पैरेलल कंप्यूटिंग की, ठीक है. और इसके बरक्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, सेवरल कंप्यूटर सिस्टम आर इन्वॉल्व, and multiple autonomous computer systems work on the divided task. वो जो multiple computer system है, हर system अलग-अलग अपना अपना task perform कर रहा होता है, ठीक है. So these computer systems can be located at different geographical location as well. मुख्तलिफ जगहों पर पाए जा सकते होते हैं, ठीक है ना. अब देखें, आप सात लोग हैं, मैं आपको ग्रुप में एक काम देता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपने ये काम करना है, फलां प्रोजेक्ट बनाना है. आप वो काम आपस में डिवाइड कर लेते हैं. आप कहते हैं जी इतना काम आपने करना है, इतना आपने सो डिवाइड कर लिया, और घर में जाते हैं और अपने अपने लोकेशन पर, अपने अपने सिस्टम पर उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो
अब एक स्टूडेंट जो है वो घर जाती है, उसने काम करना होता है तो लाइट नहीं होती है, वो वेट करती, कहती चले मैं अभी नहीं करती, मैं शाम को किसी स्पेसिफिक टाइम पे बैठ के करूंगी। तो बेसिकली वो देखो ना अपने टाइम फिजिबिलिटी पे वो टास्क परफॉर्म कर रही है। अब बाकी भी अगर अपने टास्क परफॉर्म कर रही है तो वो एक साइमल्टेनियस यानी कि एक ही वक्त में शायद नहीं कर रहे, टाइम का मतलब कि ना वो डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कि वो अलहदा अलहदा अपने अपने लोकेशन पर अपने अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं फॉर द सेम टास्क। ओके जी सर। ओके ओके लेट्स मूव नेक्स्ट। हमारे पास है डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेसेस, कहते हैं इन पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, टास्क टू बी सॉल्वड आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, हमने पिछली बात की कि टास्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दीस स्मॉलर टास्क आर असाइन टू मल्टीपल प्रोसेसर्स, उन टास्क को मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को दे दिया जाता है। क्लियर? सो हियर द आउटकम ऑफ वन टास्क माइट बी द इनपुट ऑफ अनदर। ये बात समझने वाली है, कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक प्रोसेसर की जो आउटपुट हो मे बी वो दूसरे प्रोसेसर के लिए एज ए इनपुट यूज हो रही हो। ठीक है, outcome of one task might be the input of another task, this increase dependency between the processors. इससे क्या होता है कि फिर कुछ प्रोसेसर पर डिपेंड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पैरेलल कंप्यूटिंग में पांच प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है, अब पांचों प्रोसेसर को पार्ट्स में डिवाइड करके काम मिल गया। ऐसा हो सकता है कि जो दो प्रोसेसर्स को ऐसा काम मिला है जो कि तीन प्रोसेसर से आने वाली आउटपुट की बेस के ऊपर होना है। ठीक है, इस तरह जो दो प्रोसेसर होंगे वो तीनों प्रोसेसर पर डिपेंड कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो वी कैन से दैट पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आर टाइटली कपल्ड। ये कॉन्सेप्ट टाइटली कपल्ड का भी यूज किया जाता है। टाइटली कपल्ड का मतलब ये होता है कि जब मुख्तलिफ सोर्सेज या मुख्तलिफ प्रोसेसर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो तो वो एनवायरनमेंट कौन सा होता है, टाइटली कपल्ड वाला एनवायरनमेंट। And some distributed systems might be loosely coupled. ठीक है, और इसी तरह से जो distributed system है वो loosely coupled होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर depend नहीं कर रहे होते, वो तो अपनी अपनी लैदा लैदा location पर होते हैं, लेकिन फिर भी some cases वो tightly coupled भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपने आपस में पांच छह स्टूडेंट ने टास्क असाइन किए हैं, ऐसा हो सकता है तो एक स्टूडेंट के जिम्मे था कि तुमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, अब उसकी रिक्वायरमेंट कलेक्ट होकर जब मिलेंगी तो तब डिजाइन तैयार होगा ना। तो फिर इस सूरत में इन सिचुएशंस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी टाइटली कपल्ड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके जी सर, आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइटली कपल्ड एंड लूजली। तो वो जो डिपेंड हो रहे होते हैं मतलब रिसोर्स प्रोसेसर आपस में या कुछ भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वाला जब आ जाता है कॉन्सेप्ट तो वो टाइटली कपल्ड होता है, जब डिपेंडेंसी नहीं होती तो वो लूजली कपल्ड होता है। सर ये किस सिचुएशंस में मतलब किस बेसिस पर एक दूसरे पर डिपेंड्स कर रहे होते हैं, मतलब डिपेंड कर रहे हो नहीं कर रहे? देखिए ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि एक टास्क बड़ा था ना, उस टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया ना, तो पांच प्रोसेसर थे, पांचों को टास्क दे दिया गया कि ये करना है जी, अब पैरेलली सारे काम कर रहे। लेकिन कुछ जो फिफ्थ वाला प्रोसेसर था उसका काम, उसका टास्क ऐसा था कि फोर्थ वाले प्रोसेसर ने जो काम करना है ना, जो उसकी आउटपुट आएगी वो इनपुट के तौर पे फिफ्थ वाले प्रोसेसर में जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोसेसर जो फिफ्थ है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेसर फोर्थ पे, कि वो अपना काम करे, आउटपुट जनरेट करे, तो देन इसको इनपुट मिले तो ये काम करे, तो ये डिपेंडेंसी आ गई ना दोनों में। okay, ये टाइटली कपल्ड होगा, और अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो वो लूजली कपल्ड। नाउ क्लियर? ठीक है सर। यस सर, क्लियर। ओके नेक्स्ट, व्हिच इज मोर स्केलेबल, अनदर कॉन्सेप्ट स्केलेबिलिटी। ठीक है, सो इन पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यू कैन ऐड इज रिस्ट्रिक्टेड। ये इसका ना एक ड्रॉबैक है कि पैरेलल कंप्यूटिंग में
जो प्रोसेसर मल्टीपल तो होते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, मतलब कि उनकी तादाद लिमिटेड होती है ना, कि फॉर एग्जाम्पल 5 या 6 या 10 या 15 या 20 हैं, जितने भी हैं वो लिमिटेड होंगे ना, ठीक है। दिस इज बिकॉज द बस कनेक्शन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी कैन हैंडल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस। इसका मतलब समझे कि एक सिस्टम के अंदर हम कितने प्रोसेसर लगा सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है, कि उसके अंदर जो वो मेमोरी हैंडल करने वाले या बस कनेक्टिंग जिसके साथ हमने प्रोसेसर कनेक्ट करने हैं ना, उसकी एक लिमिट है, उतने हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक हैवी सिस्टम बना लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर कैपेसिटी रखी हुई है 10 प्रोसेसर को लगाने की, तो 10 ही लगेंगे, और इससे भी हैवी बना रहे हैं उसमें प्रोसेसर 20 लग रहे हैं, तो 20 भी लिमिटेड है ना। मतलब कि बहुत ज्यादा तादाद में हम हंड्रेड्स में जाके प्रोसेसर लगा के इतना हैवी सिस्टम वो तो नहीं ना बनाएंगे, तो बेसिकली ये लिमिटेड होते हैं प्रोसेसर, इट इज नॉट मोर स्केलेबल एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमारे पास देखें जितने मर्जी एक नेटवर्क के साथ आप कंप्यूटर कनेक्ट करते जाए होते चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वो आपके पास ज्यादा स्केलेबल है एज कम्पेयर टू कर्नल कंप्यूटिंग। सो जी रूबा, आपका कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखिए यहाँ तक मैं समझ आ गई है कि ये जो से है ना प्रोसेसर अनलिमिटेड होते हैं, इनके लिमिटेड होते हैं, सॉरी प्रोसेसर लिमिटेड होते हैं, तो फिर उनकी मेमोरी भी लिमिटेड होगी। प्रोसेसर की मेमोरी तो ना होती, वो तो सिस्टम तो एक ही है, उसकी मेमोरी तो पहले शेयर्ड कर रहे हैं, जितने भी प्रोसेसर होंगे वो जितनी एक सिस्टम के अंदर मेमोरी है वो उसी को एक्सेस कर रहे हैं सब, ठीक है, मेमोरी तो शेयर्ड है। अब तो सिर्फ प्रोसेसर की बात करें कि प्रोसेसर लिमिटेड होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में ना, यानी कि ज्यादा उसको स्केल उसका बहुत ज्यादा वास्ट नहीं कर सकते हम। जी किसी और स्टूडेंट को समझ आई भला? जी सर आ गया। सर देखिए उसने मेमोरी की बात की है, मेमोरी तो सर्वर की होगी ना, यहाँ पर तो प्रोसेसर की बात हो रही है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल, मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना, इस लैपटॉप में मेरे लैपटॉप में जो रैम है 4GB है और इसकी जो हार्ड डिस्क है वो 500GB है, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बोर्ड चेंज करवाता हूँ, इसके अंदर मैं 2 प्रोसेसर लगवा लेता हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर 2 प्रोसेसर लगवा लेता हूँ, यानी कि इसके अंदर जो बस कनेक्टिंग है ना वो डिवाइस में लगवा के जो भी सिस्टम इसको मतलब के 2 प्रोसेसर लगा लिया। अब प्रोसेसर तो 2 चल रहे होंगे लेकिन मेमोरी तो मेरी वही है 4GB प्लस 500, वो दोनों प्रोसेसर उसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे होंगे, दोनों को वो शेयर मेमोरी मिल रही होगी, ठीक है। तो मल्टी जो पैरेलल प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग में ऐसा ही होता है कि मेमोरी शेयर्ड होती है, प्रोसेसर मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल जो प्रोसेसर है वो लिमिटेड होते हैं जितने कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बात हम करें there are limitations on the number of processors that the bus connecting them, जितनी वो बस कनेक्ट कर सकती है उतने प्रोसेसर्स को, एंड द मेमोरी कैन हैंडल, और जितनी मेमोरी जितने प्रोसेसर्स को, अब देखे ना मेमोरी भी तो शेयर हो रही है ना, अब इतने ज्यादा प्रोसेसर लगा दी है और मेमोरी आपकी 4GB है जस्ट, तो 4GB मेमोरी सिस्टम तो सारा स्लो हो जाएगा चलेगा ही, ठीक है ना। तो उसके लिहाज से मेमोरी का भी देखना कि मेमोरी कितनी है और वो कितने प्रोसेसर्स को हैंडल कर सकती है, उसके अकॉर्डिंगली ये बता रहा हूँ कि स्केलेबल ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। द लिमिटेशन मेक्स द पैरेलल सिस्टम लेस स्केलेबल, इसी लिमिटेशन की वजह से पैरेलल सिस्टम्स कम स्केलेबल होते हैं, ये याद रखना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आर मोर स्केलेबल, दिस इज बिकॉज कंप्यूटर आर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क एंड कम्युनिकेट बाय पासिंग मैसेजेस। आप देखें ये चैट रूम्स होते हैं, ये व्हाट्सएप देख लें, इधर आप देख लें यूट्यूब पे चैट सर्वर्स होते हैं, इसके अलावा फेसबुक पे देख लें चैट, तो कितने ज्यादा यूजर कनेक्ट होके चैट कर रहे होते हैं, अनलिमिटेड यूज, मतलब कि इसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पैरेलल कंप्यूटिंग। नाउ क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। ऊपर भी थोड़ी सी मैंने बात की कि रिसोर्स शेयर करते हैं पैरेलल कंप्यूटर, कहते हैं इन सिस्टम इंप्लीमेंटिंग पैरेलल कंप्यूटिंग, ऐसे सिस्टम जिसमें पैरेलल कंप्यूटिंग है, ऑल द प्रोसेसर शेयर द सेम मेमोरी, सारे के सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, सो दे ऑल्सो शेयर द सेम कम्युनिकेशन मीडियम एंड नेटवर्क, ठीक है ना। और वो फॉर एग्जाम्पल उस सिस्टम में अगर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है कहीं पे, तो उसका मीडियम भी एक ही होता है, ठीक है, वही शेयर कर रहे होते हैं, उस सिस्टम के अंदर मॉडेम लगा हुआ,
The processor communicate with each other with the help of shared memory. वो जो processors ने आपस में भी communicate करना है ना, तो वो भी shared memory की मदद से करें। ठीक है, तो resource कौन सा share हो रहा है? Memory। ठीक है, distributed system on the other hand have their own memory and processor। उनके पास मेरा system अपना है, इसमें अपनी memory processor है, आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, आप भी net के साथ connected हैं, तो आपके system में अपनी processor और memory मौजूद है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। ओके, क्लियर सर? इसको थोड़ा सा कर दें जी, कोई स्टूडेंट ही इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आयशा आप करें। आयशा, आयशा आप इसको जरा बताएं क्या मैंने बताया अभी। सर मैं बताऊं? जी जी आप, आयशा कमर। सर इसमें आपने यही बताया ना कि डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं वो कनेक्ट है, लेकिन उनकी जो मेमोरी है वो मतलब वो मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो उतना ही वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रही हैं आप। जी कोई और भी बताए, आयशा दूसरी जो सी जी आ रहे हैं वो बताएं। सर मैं ही आपसे ये चीज पूछ रही थी कि मतलब पैरेलल में ये होता है कि मेमोरी तो एक होती है लेकिन उसको शेयर कर रहे थे, इतना तो मैं पता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ये है कि हर एक की मेमोरी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, देखो ना आप अपने घर में कंप्यूटर यूज कर रहे हो और बाकी भी हर बंदा अपने घर में बैठा होगा, तो उनके सिस्टम की अपनी मेमोरी है ना, वो अपना प्रोसेसर। जी जी बस मैं जी बस यही क्लियर करना चाह रहा हूं, वो शेयर्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड में शेयर्ड मेमोरी नहीं होती, पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर्ड मेमोरी होती है और वही रिसोर्स वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं ना, वो सारे प्रोसेसर आपस में भी कम्युनिकेट करने के लिए उसी मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा पहले, सिंक्रोनाइजेशन जिसमें टाइम वगैरह का ख्याल रख रहे होते हैं, क्लॉक वगैरह आ जाता है। ठीक है, so in parallel computer, in parallel systems, all the processes share the same. Yes sir, iska mean bata dein fast synchronization ka. abhi iska meaning abhi main ye padha lu na, aapko clear ho jayega for. aapne kabhi networking mein ye padha hai synchronous transmission and asynchronous transmission? ji sir padha hai, jisme block by block data jata hai, ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा जाता है, टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है कि किस टाइम पे डेटा सेंड किया गया, किस टाइम पे डेटा रिसीव किया गया। ठीक है, क्लॉक का कीप ट्रैक जिसमें होता है, इट इज सिंक्रोनस। ठीक है, जिसमें टाइमिंग क्लॉक इन्वॉल्व होता है ना, वो सिंक्रोनस होता है। ठीक है, इन पैरेलल सिस्टम्स ऑल द प्रोसेसेस शेयर द सेम मास्टर क्लॉक। ठीक है, पैरेलल सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, उसका क्लॉक एक ही होता है, एक ही सेम क्लॉक को वो लेके चल रहे होते हैं। सिंस ऑल द प्रोसेसर्स आर होस्टेड ऑन द सेम फिजिकल सिस्टम, दे डू नॉट नीड एनी सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम। मतलब ये ओके, हम स्टार्ट करते हैं अगेन। तो सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही थी कि जो हमारे पास पैरेलल सिस्टम होते हैं उनके अंदर सेम मास्टर क्लॉक यूज हो रहा होता है सारे प्रोसेसर के लिए, जो सिस्टम का है जिसके अंदर हम पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंडिविजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी सेंट्रल क्लॉक। मतलब कि अलग अलग हर बंदे का अपना अपना सिस्टम है, तो उन सब को मतलब कि कोई सेंट्रल क्लॉक जो है उसकी एक्सेस नहीं होती है। दे नीड टू इंप्लीमेंट सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम, फिर उनको सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम पे इंप्लीमेंट करना होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम के जरिए काम कर रहे होते हैं। अब ये सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम क्या होता है ये अभी हमने पढ़ लिया। ये मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन को अप्लाई, सिंक्रोनाइजेशन को एक्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है।
ओके तो दीज जब इसमें यस यस बोले सर जब डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इस टाइम में होना चाहिए या इसका क्लॉक सेम है तो फिर इसके लिए हम ये सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम क्यों यूज करेंगे देखिए मेरी बात सुनिए सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम यूज किया जा सकता है फॉर टू परफॉर्म सम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने बात की थी ना इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि पैरेलल कंप्यूटिंग में एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर है ना सिस्टम ऑन होगा तो वो सारे प्रोसेसर एक्टिव होंगे ना और वो सारे प्रोसेसर सेम क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी वक्त में काम कर रहे हैं अब देखें मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल दी थी कि एक स्टूडेंट घर जाती है उसका सिस्टम लाइट ऑफ है नहीं ऑन करती वो नहीं ऑन होता ना तो आपने उसको मेल की हुई है ठीक है आपने उसको मेल की हुई है और वो जब अपने सिस्टम को ऑन करेगी तो उसको वो ईमेल तब मिलेगी आपके क्लॉक से वो ईमेल 2 बजे की सेंड हुई है और उसको क्लॉक में जाके वो ईमेल जाके चाहे वो 4 बजे या 5 बजे मिल रही है जब उसने एक्टिव किया उसको मीन तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मतलब के कोई सेंट्रल क्लॉक नहीं होता है जिसको एक्सेस करके वो ये हो रहा होता है ठीक है इस काम के लिए मतलब के उनको जब वो स्पेसिफिक वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके लिए कोई सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें ये होता है कि आप लोगों का क्लॉक भी सेंट्रल हो जाता है और सब एट द सेम टाइम ऑनलाइन होंगे अपने अपने सिस्टम नहीं ठीक है और देन जैसे कि अभी हम ये एक स्केड्यूल्ड अपनी क्लास कर रहे हैं आप सब लोग अपने अपने जो है सिस्टम पर बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं और सब ऑनलाइन है और सबको ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये एक सेंट्रल मतलब कि क्लॉक आपके साथ शेयर हो गया कि इसी टाइम पे हम आपस में डेटा को शेयर करके आपस में काम कर रहे हैं तो आपके पास भी सेम टाइम पे वो डेटा शो हो रहा है मेरे पास भी सेम टाइम पे वो डेटा शेयर हो रहा है और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ठीक है ना तो इसमें बाउंड नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेशन तो इसी तरह सिनेरियोस में डिफरेंट सेंसेस में इसको डिफरेंटली लिया जाता है आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो जी सर ओके व्हाई आर दे यूज्ड अब ये सारी बातें हमने कर ली डिफरेंस भी देख लिया अब हम देखते हैं कि इनको यूज क्यों किया जाता है पैरेलल कंप्यूटिंग को फॉर यूज इन प्लेसेस कहां पर यूज होती है रिक्वायर अ हायर एंड फास्टर प्रोसेसिंग पावर जैसे मैंने पहले बताया था कि जहां पर हमें फास्टर प्रोसेसिंग पावर और हायर प्रोसेसिंग चाहिए होती है जैसे मैंने कहा था इंडस्ट्रियल ठीक है बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वगैरह वगैरह ठीक है जैसे कि यहाँ पर उसने कहा सुपर कंप्यूटर्स में इनका यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर हैवी कंप्यूटर होते हैं सो सिंस दे आर नो लैग्स इन द पासिंग ऑफ मैसेजेस ठीक है दिस सिस्टम हैव हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी मतलब कि इन्होंने मैसेज तो पास नहीं करने होते आपस में इन्होंने सेम मेमोरी को शेयर करके काम करना होता है ठीक है सो इनकी स्पीड काफी हैवी होती है और इनकी पावर भी बहुत ज्यादा इनको हैवी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज यूज व्हेन कंप्यूटर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज ही तब की जाती है जब सिस्टम दूर दूर है हर बंदे का अपना अपना अलग-अलग जगह पर काम हो रहा है सो इन दिस सिनेरियो स्पीड इज जनरली नॉट एज ए क्रूशियल मैटर तो इस सिचुएशन में स्पीड इतना मैटर नहीं करती स्पीड कम भी होती है दे आर प्रेफर्ड चॉइस व्हेन स्केलेबिलिटी इज रिक्वायर्ड और इस कंप्यूटिंग को तब यूज किया जाता है जब स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है और अगर बात की जाए तो यूज ज्यादा कौन सी होती है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज होती है ओके सर स्पीड किस चीज की स्पीड बेसिकली काम करने की ठीक है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की किसी भी प्रोसेसिंग को करने की सर अगर ऐसा है तो फिर सिंक्रोनाइजेशन में नहीं प्रॉब्लम होगा मतलब सिंक्रोनाइजेशन में कैसा प्रॉब्लम हो सकता है देखिए अगर एक कंप्यूटर की एक प्रोसेसर की स्पीड स्लो है और एक की फास्ट है एक एफिशिएंट है और एक नहीं है तो इस तरह सिंक्रोनाइजेशन आगे पीछे नहीं हो जाएगी मतलब फिर सिंक तो नहीं ना होगा उनका टास्क देखिए सिंक जो होता है ना जब टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है ना सिंक तो हमें तब करना होता है ठीक है अब ये चीज जो है ना मतलब कि स्पीड इज जनरली नॉट अ क्रूशियल मैटर इसी वजह से तो कहा है ना कि स्पीड इतना क्रूशियल मैटर नहीं करती इसके अंदर ठीक ठीक है ना
मीन टू से दैट कि हमने टास्क कंप्लीट, एक बंदे ने टास्क जल्दी कर लिया, एक का टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, बाद में सिंक होना ना एट द स्पॉट ऑफ सेंडिंग देयर, मतलब कि टोटल टास्क का जब आउटपुट सेंड करनी है देन सिंक होना, कि उसका काम उसका काम उसका काम सब का सिंक होके फिर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट हो जाए। इसी वजह से स्पीड ज्यादा क्रूशियल मैटर नहीं करती इसमें। ओके, ये जो सारी बातें हमने ऊपर की है ना, इनको टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो तो फिर इस तरीके से सारा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। ले जी, ये आपका लेक्चर था और इसमें ये नीचे भी अब कुछ थ्योरी है, ऑल इन ऑल वी कैन से दैट बोथ कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजीज आर नीडेड, दोनों की जरूरत होती है, बोथ सर्व डिफरेंट पर्पस, दोनों को मुस्लिम मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड आर हैंडी बेस्ड ऑन डिफरेंट सरकम, अब सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना कि पैरेलल कंप्यूटिंग कब यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कब यूज करनी है। ठीक है, इट इज अप टू द यूजर आर द एंटरप्राइज टू मेक द जजमेंट कॉल एज टू विच मैथडोलॉजी टू अपोज फॉर, मतलब किसको चूज करना है ऑप्शनल में से। जनरली एंटरप्राइजेस ऑप्शन फॉर either one or both depending on which is efficient where, मतलब कि enterprises की ऊपर depend करता है कि वो इन दोनों computing में से कौन सा use करते हैं अपने need के मुताबिक, किस से उनके desired result expectations के मुताबिक आ जाएंगे, तो ये उनके ऊपर depend करता है, ये दोनों use होती हैं। So then another ये examples दो तीन कुछ add की हैं यहाँ पर, यूनिवर्स इज पैरेलल, ये आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैंने ऐड किया एग्जांपल्स के लिए कि ये दुनिया जो है पैरेलल ही वर्क कर रही है। अगर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें, पैरेलल कंप्यूटिंग हैज बीन कंसीडर्ड टू बी द हाई एंड कंप्यूटिंग एंड हैज बीन यूज्ड टू मॉडल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था कि हैवी प्रॉब्लम्स के लिए, ये सारे आगे नेम बता दिए गए, साइंटिफिक एटमोसफेयर, अर्थ एनवायरमेंट, जियोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, अप्लाइड, न्यूक्लियर, इन इन चीज़ों में जो एक्सपेरिमेंट जो चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं टेक्नोलॉजी, वो पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ किया जाता है। ये तो मतलब कि जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, वैसे लेक्चर हम आपको यहाँ तक अपना प्रिपेयर होना चाहिए पेज नंबर 5 तक, और ये आपकी आउटलाइन में से ये वाला पोर्शन आज हमने डिस्कस किया है। आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर तो आप पूछिए।